इधर वाले बोलेंगे 20 रुपए दो, इसके आगे वाले भैया ये पूरा पैकेट 50 रुपए। आज हम देखे थे कंजूमी भाई, उससे बुलवाया कि चाइनीज उत्पादों बिक्री कम है और देसी ज़्यादा बिक रहा है। उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए और देखो भाई योगी बाबा ये जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं अपने सभी हरदोई वासियों को अपनी तरफ से और अपने परिवार की ओर से दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी लोग से आशा करता हूं कि ये त्यौहार उनके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत मंगलमय हो, और सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि सब लोग बहुत अपना सेफ रहें और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। ये खुशियों का बहुत अच्छा त्यौहार है और सब लोग एकजुट होकर बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करें। व्यापार के संबंधित इस वर्ष हमारे ट्रेड में सोने चांदी के ट्रेड में हालांकि जो भाव का कस्टमर को जो लग रहा है कि इस टाइम भाव ऊपर हुआ है, उसकी वजह से बाज़ार पे हालांकि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट क्योंकि ये इतना दिवाली और धनतेरस का त्यौहार इतना सबके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसमें सोना चांदी आता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो है कस्टमर को और सभी लोगों को बड़ा अच्छा माहौल होता है, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे हरदोई की सबसे ही प्रमुख मार्केट बाजारों में से, ये बड़े चौराहे से और सिनेमा चौराहे के बीच में ये प्रमुख मार्केट है और यहाँ पर धनतेरस का पर्व बड़ी यहाँ आमतौर से बहुत भीड़ रहती है और सारा सामान लगभग इसी मार्केट में उपलब्ध रहता है और लोग यहाँ खरीदते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस बार की मार्केट पिछली की अपेक्षा बहुत डाउन है, सोने का भाव बढ़ने से लोगों में जो है पूरा खरीदने की दिलचस्पी कम हो रही है और देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, अगर चाइनीज उत्पादों की बात करें तो कैसे मार्केट में देखते हैं इसको? चाइनीज उत्पादों की बात करें तो मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लोग अपने घरों में दिए जला रहे हैं, अपने इंडियन चाइनीज कर रहे हैं, जल रहे हैं, पहले तो उत्पाद बहुत ही कम हो।